बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज लहसुन की फसल के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह अच्छी हो पाती है और किस तरह इसको कौन कौन सी खाद लगानी पड़ती है और इसे क्या क्या करना पड़ता है और इसको कब इसको पानी लगाना पड़ता है। गाइस आए ये देखें, ये माशाल्लाह हमारा लहसुन है, बहुत ही अच्छा है। इसको तकरीबन हम हफ्ते में एक दो पानी भी लगाते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा लहसुन है, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो पाया है क्योंकि हम इसको तकरीबन हर हफ्ते एक पानी लगाते हैं और इसके साथ इसको खाद भी लगाते हैं। इसको सबसे पहले यानी कि जब हम लहसुन को उगाते हैं उस वक़्त, यानी कि जब हम लहसुन का बीज लगाते हैं उस वक़्त इसके साथ DAP खाद भी लगाना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर DAP खाद लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो पाएगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिल पाएंगे। लेकिन गाइस जो DAP खाद है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये खाद बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि फसल की बढ़ोतरी के लिए और नीचे से जो कि इसका यानी कि जो बीज है, जो लहसुन है, वो भी बहुत अच्छा हो पाता है। ठीक है, और गाइस लहसुन के बाद आप इसको एक वो भी लगाएंगे खाद, सोना जूरिया खाद, वो आप पानी के साथ लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश कहता हूँ कि आप ना मतलब कि खाद को फ्लड करके डालें। अगर आप खाद को फ्लड करके डालेंगे क्योंकि लहसुन के हर एक पौधे यानी कि हर एक पौधे को पहुँचेगी, उसकी जड़ को पहुँच पाएगी, इसके बहुत ही फ़ायदे फ्लड करेंगे। अगर आप छट्टा देंगे तो आधी यानी कि आपकी आधी खाद ज़ाया जाएगी। इसलिए आप लहसुन को पानी भर वक्त लगाया करें, यानी कि हफ्ते में एक पानी और एक खाद भी साथ, इंशाल्लाह आपकी फसल अच्छी हो पाएगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लहसुन को फ्लड करने के और खाद डालने के क्या फ़ायदे हैं और छट्टे के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।